Our mission in Afghanistan will conclude on August 31st. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum doston. Ek baar phir khush aamadeed. दोस्तों 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग खत्म हो जाएगी, ऐसा कहना है अमेरिकी सदर जो बाइडेन का। अपने एक ताज़ा बयान में अमेरिकी सदर ने कहा है कि उन्होंने तालिबान पर भरोसा नहीं किया था, बल्कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की सलाहियत पर एतमाद किया था कि वो अफगान हुकूमत का दिफा करेगी। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे, लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने एक हालिया बयान में एक बड़ी ही अजीबोगरीब बात की है। उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में अमेरिका का फौजी मिशन खत्म हो जाएगा। अपनी तकरीर में जो बाइडेन ने बताया कि अमेरिका अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग या कौम की तामीर के लिए नहीं गया था, इसलिए अब अफगानिस्तान के लोगों को आपस में मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए और अपने मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपनी इस तकरीर में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के फैसले पर मजीद रोशनी डालते हुए हालिया हफ्तों के दौरान जंग जदा अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान की तेज़ रफ्तार जंगी पेशकदमी के बावजूद अपने फैसले का दिफा किया है। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान के अंदर अमरीका के फौजी मिशन में तौसी के मुतालबे को बहुत वाज़े अंदाज में मुस्तरद किया है और ऐसी आवाज़ें बुलंद करने वालों को मुखातिब करते हुए पूछा है कि आप और कितने हज़ार अमरीकी बेटियों और बेटों को ख़तरे से दोचार करेंगे। मैं अमरीकियों की एक और नस्ल को जंग के लिए अफगानिस्तान में नहीं भेजूँगा, क्योंकि इस जंग से किसी मुख्तलिफ नतीजे के हासिल होने की कोई तवक्का नहीं है। जो बाइडेन ने वजाहत दी है कि उन्होंने तालिबान पर भरोसा नहीं किया था, बल्कि अफगान फोर्सेस की सलाहियतों पर अतमाद किया था कि वो अफगान हुकूमत का दिफा करेंगी। अमरीकी सदर ने अपना तज्जिया पेश करते हुए कहा है कि अमरीका के इनखला के बाद अफगानिस्तान में किसी एक हुकूमत के कंट्रोल का बहुत कम इम्कान है, इसीलिए उन्होंने अफगान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो तालिबान के साथ कोई डील तय कर ले ताकि अफगानिस्तान में अमन कायम हो सके। जो बाइडेन ने अपनी इस तकरीर में एक और बड़ी अजीब बात कही कि अफगानिस्तान में अमरीका की जंग का खात्मा हो रहा है तो ये मिशन की तकमील का कोई लम्हा नहीं है, बल्कि अमेरिका का मिशन तो तभी मुकम्मल हो गया था जब उसामा बिन लादिन को ख़त्म किया था। साथ ही अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि दुनिया के इस हिस्से से अब दहशतगर्दी भी सर नहीं उठा रही, इसीलिए यहाँ मजीद रुकने का मजीद कोई जवाब पैदा नहीं होता। जो बाइडेन की इस तकरीर से कबल वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जैन साकी ने बताया था कि बाइडेन इंतजामिया के अहदेदार पहले ही ये पेशन गोई करते चले आ रहे हैं कि अमरीकी फ़ौज के इनखला के साथ अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफा होगा और अफरा तफरी मजीद बढ़ेगी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तैनाती को तूल दिया जाता तो उन पर हमलों में भी शिद्दत आ सकती थी, जबकि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के मई 2021 तक इनखला पर इत्तफाक कर चुके थे। उनके इस बयान से कबल अमरीकी महकमा दिफा यानी पेंटागन ने इसी हफ्ते ये बयान जारी किया था कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का 90% से ज्यादा इनखला मुकम्मल हो चुका है। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक जंग जदा मुल्क से फौजियों और उसके जेरे इस्तेमाल साजो सामान को वापस अमरीका या दूसरे ममालिक में मुंतकिल किया जा रहा है। अफगानिस्तान से C-130 मालबरदार तैयारों की 984 परवाजों के जरिए फौजी साजो सामान बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा चुका है। इनमें से 17,074 से जायद फौजी आलात तल्फ करने या ठिकाने लगाने के लिए महकमा दिफा की डिफेंस लॉजिस्टिक एजेंसी के हवाले किए गए हैं और अमेरिका ने अपने जेरे इस्तेमाल 7 फौजी अड्डों को सरकारी तौर पर अफगान वजारत दिफा के भी हवाले कर दिया है। जो बाइडेन के इस ऐलान के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला का 1 मई को आगाज हुआ था। तब अफगानिस्तान में अमरीका के 2,500 से 3,500 फौजी थे और नेटो के तकरीबन 7,000 फौजी थे और अब इनमें से बहुत थोड़ी तादाद ही अफगानिस्तान में रह गई है। अमरीकी फौज ने अपना बहुत सा साजो सामान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के भी हवाले किया है और बगराम एयरबेस और दूसरे मकामात पर बहुत से फौजी साजो सामान और आलात को नकारा करके ऐसे ही फेंक दिया है। इस हवाले से ब्राउन यूनिवर्सिटी ने इस अमरीकी जंग के मंसूबे की लागत का तखमीना लगाया है, जिसके मुताबिक अमरीका ने अफगानिस्तान में पिछले 2 अशरों में $20 खरब ज़ाया किए हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बाइडेन इंतजामिया ने अमरीका का कंट्रोल संभाला था तो अप्रैल में अफगानिस्तान में मौजूद बाकी फ़ौज का इनखला 11 सितम्बर 2021 तक मौखर करने का ऐलान किया था और इससे पहले अफगान तालिबान और साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान फरवरी 2020 में तयशुदा समझौते के तहत रवां साल 1 मई तक अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला मुकम्मल होना था,
जो बिल आखिर अब 3 महीने की ताखीर के बाद 31 अगस्त को मुकम्मल होने जा रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अब मजीद जो भी अपडेट होगी वो अगली वीडियो में आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।